हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो फाइनली फिफ्थ सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो आज शुरू हो चुका है। आपके डैशबोर्ड पे लिंक आ गया होगा, सिंपल है, डैशबोर्ड को लॉगिन करो, येलो कलर का पेपर सिलेक्शन का लिंक है, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। आप काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर कितने सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने, कौन सा सब्जेक्ट लेना सही रहेगा इसमें। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर में दिखाने जा रहा हूँ बीए प्रोग्राम का। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर जरूर करना, और इस वीडियो को स्किप मत करना वरना कुछ आप इम्पोर्टेंट मिस कर दोगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए। तो शुरू करते तो देखिए, अभी हमने एसओएल का जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का, वो हमने अभी ओपन कर लिया है। आपके डैशबोर्ड पे अभी दिख रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, माइनर से आपके दो सब्जेक्ट होंगे जो आपने ऑप्ट किए होंगे पहले सेमेस्टर से, और एक आपका मेजर से होगा। तो ये जो तीन सब्जेक्ट है इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीन सब्जेक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होंगे, हो सकता है तीन सब्जेक्ट आपको शो ना करे। तो तीन सब्जेक्ट कौन कौन से, एक दो माइनर में से एक मेजर में से, जो भी आपने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, हिस्ट्री पॉलिटिकल, दो पॉलिटिकल, एक हिस्ट्री एक हिंदी, दो पॉलिटिकल, जो भी है, ठीक है। तो हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम इसको स्किप कर देते हैं। ये सब्जेक्ट आपको शो कर रहे होंगे। एक सब्जेक्ट आपको डीएससी में से सिलेक्ट करना होगा, जी हाँ, आप इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। जब आप डीएससी का सेक्शन क्लिक करोगे अपने पोर्टल पे, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट शो कर रहे होंगे, एडवांस इकोमेट्रिक्स, लैंग्वेज एजुकेशन, लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स, हिंदी का प्रमुख है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल इकोनॉमी। तो ये सारे सब्जेक्ट आपका डीएससी का सिलेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि काफ़ी सब्जेक्ट इस सेक्शन से शो नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने पॉलिटिकल अगर पहले ले रखी हो तो डीएससी में आपको दोबारा पॉलिटिकल लेने से मना कर रहा हो। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एक सब्जेक्ट आप इनमें से सिलेक्ट कर ले। मैं रिक्वेस्ट करूँगा या तो आप हिंदी ले लीजिए, या एजुकेशन आप ले सकते हो, ठीक है। तो ईजी सब्जेक्ट ही आप इस डीएससी में सिलेक्ट कर लीजिए। तो हिंदी अगर आप ले लोगे वो भी ठीक है, हिंदी का प्रमुख संस्था अब पात्रा पत्रिका, ये भी ठीक है, ठीक है। हिस्ट्री का ले लोगे, हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस करता, पर ये जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनको आप ले सकते हो, जैसे एजुकेशन हो गया, देखिए मैं इकोनॉमिक्स का नहीं बोलूँगा, ये एडवांस इकोमेट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें मैथ होगी, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, मैं इकोनॉमिक्स का भी सपोर्ट नहीं करता कि आप इको लो बीए प्रोग्राम में। एजुकेशन ठीक है, बेस्ट कर पढ़ते हुए आ रहे हो, हिंदी ठीक है, हिस्ट्री भी ठीक है अगर शो कर रहा है, पॉलिटिकल ठीक है अगर शो कर रहा है, संस्कृत है, उर्दू है, ठीक है। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, तीन वो प्लस एक, ये चार आपके सब्जेक्ट हो गए डीएससी। फिर उसके बाद जेनिक इलेक्टिव में से एक आपको चूज करना है। क्या लिखा है, चूज एनी अदर देन सब्जेक्ट ऑफ द कोर एंड डिसिप्लिन सेमेस्टर वन। आपको एक अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपने पहले से नहीं लिया हो, ठीक है, वो आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा। आपको इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपके सब्जेक्ट में से आपको पोर्टल में शो हो जाएगा। तो एक पाँचवा सब्जेक्ट तो ये आपका हो गया, मनी एंड बैंकिंग, लिटरेचर, ह्यूमन राइट्स, लोकप्रिय हिंदी साहित्य, जो उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। अब देखिए कौन कौन सा पार्ट इसमें हटा दिया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपका एईसी जो था उसको हटा दिया गया है, तो एईसी आपके में शो नहीं करेगा, और बैग जो है वैल्यू एडिशन वो आपके में शो नहीं करेगा। इसको हटा के एईसी के जगह डीएससी का एक सब्जेक्ट आपका बढ़ा दिया गया, बाकी वैल्यू एडिशन आपका ख़त्म कर दिया गया है। तो सैक में से आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, वो सब्जेक्ट ले लेना जो आपने अभी तक नहीं लिया हो, ठीक है, नॉट ऑप्ट बिफोर, पहले आपने जो सिलेक्ट नहीं किया हो। तो अब इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, आप कोशिश कीजिए अगर पुराने सब्जेक्ट में से अगर आपको मिल रहे तो ले लीजिए, वरना अगर आप कंप्यूटर बेसिक, आईटी टूल, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये जो सब्जेक्ट है ज़्यादातर सब्जेक्ट जो है कुछ इंग्लिश और कुछ दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस जो है दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये भी दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। पर बाकी मैं यही कहूँगा इन तीनों को अवॉइड करके, अगर आपको इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन का मौका मिल रहा है तो आप इनमें से ज़रूर सेलेक्ट करें, क्योंकि इनका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर इन छः कोर्सेज का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बाकी अगर तीन सब्जेक्ट में जाना चाहते हो तो मर्जी है, पर स्टडी मटेरियल हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। तो टोटल छः सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और जिसमें से एईसी का सब्जेक्ट आपको शो नहीं करेगा, और बैक का सब्जेक्ट आपको शो नहीं करेगा। तो तीन सब्जेक्ट आपके वो हो गए, एक डीएससी का हो गया, एक आपका जेई का होगा, एक सेट का हो गया, ठीक है। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है, और कौन कौन सा लेना मैंने आपको बता दिया। देखिए मैं कोई नहीं होता सिलेक्ट करने वाला कौन सा लेना है, कोशिश कीजिए वो सब्जेक्ट लीजिए। जैसे देखिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश को अवॉइड कर देते क्योंकि काफ़ी लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती,
हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन, इनमें से आप सिलेक्ट कीजिए, यही मैं डिस्कस आपसे करना रहा। बाकी जिसको उर्दू पंजाबी पसंद है वो ले सकता है, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, ये वही सब्जेक्ट आपको शो करेंगे जो आपने डीएससी में मेजर माइनर में आपके नहीं होंगे, तो जो पोर्टल में आपको शो करें उनमें से आप ले लेना। बाकी मैंने आपको दिखा दिया स्ट्रक्चर, सारे सब्जेक्ट आपके हैं। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा।